हम जितने भी ज़्यादा भोगी होते चले जा रहे हैं, हम जितने भी ज़्यादा संसाधनों को अरेंज करते चले जा रहे हैं, ये हम सब के लिए एक हथियार का रूप ले चुका है। झांसी की अपेक्षा यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, झांसी में थोड़ी ठंडक आ चुकी है। हमारे यहाँ बरसात हो रही है, यहाँ पर बरसात नहीं हुई। जहाँ से हम आए हैं वहाँ की अपेक्षा यहाँ अधिक गर्मी है। राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से हो रही झमाझम बारिश के बावजूद भी राजधानी दिल्ली की गर्मी और उमस लोगों को अभी भी परेशान कर रही है। ऐसे में मौसम विभाग का जो अनुमान है दिल्ली के लिए, दो दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में तेज बारिश हो सकती है, हो सकता है कि इस बारिश के बाद दिल्ली में उमस और गर्मी से लोगों को राहत शायद मिल जाए। वहीं अगर आज के तापमान की बात की जाए तो आज का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रह सकता है। तो अब ऐसे में हम लोगों से बातचीत करेंगे, हम इंडिया गेट पे मौजूद हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से लगातार बारिश होने के बावजूद भी गर्मी और उमस से परेशानी नहीं मिल पा रही है, उस पर उनका क्या कुछ कहना है। आइए चलते हैं। सर, दिल्ली के अगर तापमान की बात की जाए तो लगातार रोज़ बारिश हो रही है, लेकिन गर्मी उमस लोगों को परेशान कर रही है, तो किस तरह की परेशानी आप फील कर पा रहे हैं? कल बहुत गर्मी थी, परसों भी बहुत गर्मी थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी और सफोकेशन जैसा हमको महसूस हो रहा था। और दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी में से एक है, ऐसा वैज्ञानिक भी कहते हैं और हमको उसका निरंतर देखने को भी मिलता है, फील भी होता है। ये समस्या दिल्ली की नहीं है, लेकिन ये समस्या पूरी दुनिया की है और पूरी दुनिया आज जलवायु परिवर्तन के इस बड़े क्राइसिस से जूझ रही है। तो जल और वायु जब परिवर्तित हो जाएगा तो जीवन भी परिवर्तित होगा। तो जीवन परिवर्तित कैसा होगा? कभी सांस लेने में दिक्कत होगी, तो कभी ज़्यादा गर्मी लगेगी, तो कभी बारिश का कहर हम सबको फेस करना पड़ेगा, कभी अधिक शीत लहरों के कारण ठंड से हम परेशान होंगे। तो जलवायु के परिवर्तन में दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है वो प्राकृतिक है, दूसरा कारण है मनुष्य की सुख सुविधाओं और उनका दुनिया को लेकर के नज़रिया। हम जितने भी ज़्यादा भोगी होते चले जा रहे हैं, हम जितने भी ज़्यादा संसाधनों को अरेंज करते चले जा रहे हैं, ये हम सब के लिए एक हथियार का रूप ले चुका है। तो हम सबको, आपने पूछा कि अभी चर्चा आपसे हो रही थी ऑफ द वे कि 10 साल बाद क्या होने वाला है, 10 साल पहले क्या हुआ था। तो 10 साल पहले, 20 साल पहले या 25 साल पहले या कुछ पीछे चले जाएंगे तो उस समय हम एक सामान्य जीवन जीते थे। अब हमने एक एडवांस जीवन जीने की होड़ में अपने आप को झोंक दिया और पूरी दुनिया इस होड़ में कूद गई और पूरी दुनिया इस क्राइसिस का एक बड़ा कारण भी है और उसका सामना भी पूरी दुनिया को ही करना पड़ रहा है। तो ये टेम्पोररीली नहीं है, ये परमानेंसी है नेचर के अंदर। अगर इसको हमें बाहर करना है तो हम सबको अपनी सुख सुविधाओं पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप लगातार पर्यावरण को लेकर के मुहिमें चलाते रहते हैं, आपने यात्रा भी करी है, तो आप क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को कि जो पर्यावरण के लिए कुछ खासतौर पर ऐसा किया जाए तो आने वाला समय जो इंसान के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है, इसके लिए? मेरा सबसे यही विनम्र निवेदन है कि अपने खुद के ऑक्सीजन की चिंता करें, अपने खुद के शुद्ध पीने के पानी की चिंता करें, आपको कैसे शुद्ध अन्न प्राप्त होगा इसकी भी आप चिंता करें, तो आप, मुझे लगता है, अपने इस पर्यावरण को बचा पाएंगे और उसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन अपने लिए ही करें, क्योंकि हमें ही ऑक्सीजन, पानी और अन्न, ये तीनों ही शुद्ध चाहिए होते हैं। इनकी जिम्मेदारी भी हम सबकी है और अन्य जीवों के लिए भी हम बायोडाइवर्सिटी को अगर ठीक रखेंगे तो उनके हित में होगा, हम सबके हित में होगा और इस साइकिल को हम मेंटेन करके चलेंगे और अपनी सुख सुविधाओं को थोड़ा सा पीछे करके कुछ कष्ट तो हम सबको लेना ही पड़ेगा। इस बड़े कष्ट से यदि हमें मुक्ति चाहिए तो आज का मौसम थोड़ा गर्म है, लगातार बारिश हो रही है, इसका कुछ असर पड़ रहा है गर्मी पे? नहीं, यहाँ पे कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है गर्मी का, बारिश का, गर्मी के ऊपर। आप दूसरे राज्यों से दिल्ली आए तो वहाँ के मुकाबले यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है? हमारे यहाँ से दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा गर्म मौसम है, गर्मी ज़्यादा है। बारिश होगी तो यहाँ का लगता है कि तापमान में कुछ कमी आएगी? हाँ, हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए। परेशानी को तो ऐसा है, जहाँ से हम आए हैं वहाँ की अपेक्षा यहाँ अधिक गर्मी है, वहाँ थोड़ा हल्का मौसम डाउन था, यहाँ अधिक गर्मी है। तो यहाँ पे उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से रोज़ बारिश हो रही है लेकिन बावजूद गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है? हाँ, ऐसा तो है, बट बता नहीं सकते मौसम में, जैसा भी बारिश हो जाए तो मौसम में गिरावट हो सकती है, उमस भी कम हो सकती है, बट कोई बारिश के अभी चांस है नहीं। झांसी की अपेक्षा यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, झांसी में थोड़ी ठंडक आ चुकी है। हमारे यहाँ बरसात हो रही है, यहाँ पर बरसात नहीं हुई। दिल्ली में कारण क्या मांगते हैं कि गर्मी क्यों है? दिल्ली में बरसात नहीं हो रही, बरसात हो जाए तो मौसम थोड़ा और अच्छा हो जाएगा।
जो मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में लगातार कई दिनों तक तो बारिश होगी, क्या लग रहा है कि उस बारिश के आने के बाद कुछ असर पड़ेगा मौसम पे? असर पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत असर होगा, मौसम ठंडा हो जाएगा। अभी किस तरह की समस्या हो रही है गर्मी से? अभी उमस हो रही है और गर्मी ज़्यादा है। तो आपने सुना कि लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे राज्यों से राजधानी दिल्ली में घूमने आए हैं, लेकिन कंपेयर कर रहे हैं तो उसके उस राज्यों के अकॉर्डिंग राजधानी दिल्ली में अधिक गर्मी भी है और उससे काफ़ी तरह की समस्या भी हो रही है। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि अगर राजधानी दिल्ली में खुलकर बारिश हो जाती है तो हो सकता है कि जल्द ही इस गर्मी भरी उमस से राहत मिल पाए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।